आज का हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट्स इन फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट के अंदर कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स होती हैं, उनको ट्रीट किस तरह से करते हैं, वो सारे का सारा आज हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए फाइनल अकाउंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया। तो फाइनल अकाउंट हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इन तीनों चीज़ों को हम लोग अगर कलेक्टिवली देखें तो कलेक्टिवली इन तीनों चीज़ों को हम लोग नाम दे देते हैं फाइनल अकाउंट का। अब शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं, जो आइटम्स अपीयर होंगी ट्रायल बैलेंस के अंदर, जैसा कि हमें पता है अकाउंटिंग साइकिल के अंदर एक एलिमेंट हमारे पास ट्रायल बैलेंस भी है। तो ट्रायल बैलेंस की बेस पे चूंकि हम लोग फाइनल अकाउंट बना रहे होते हैं, तो जो भी चीज़ें ट्रायल बैलेंस के अंदर अपीयर होंगी, आपके पास ट्रायल बैलेंस के अंदर शो हो रही होंगी, उनका जस्ट एक ही इफेक्ट होगा आपके पास। इसका जस्ट आपके पास एक ही इफेक्ट होगा, वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में भी हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी हो सकता है और बैलेंस शीट में भी हो सकता है। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज की, तो एडजस्टमेंट एंट्री जो है इनके आपके पास दो इफेक्ट होंगे, वो दो इफेक्ट डेबिट या फिर क्रेडिट, ये आपके पास हो सकते हैं विद द सेम अमाउंट। अब एडजस्टिंग एंट्री जो भी है, अमाउंट आपकी जितनी भी है, वो सेम अमाउंट उसके दो इफेक्ट आपके पास होंगे। वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक इफेक्ट उसमें हो रहा होता है और दूसरा इफेक्ट आपका बैलेंस शीट के अंदर हो रहा होता है नॉर्मली। अब आगे चलें तो पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारे पास दो सिस्टम है, हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस असर्टेन करना होता है। अब नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं एडजस्टमेंट्स। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट्स हमारे पास कौन कौन सी होंगी, एडजस्टमेंट अगर हम लोग देखें तो हमारे पास टू सिस्टम्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस असर्टेन करने के। प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करने के हमारे पास दो सिस्टम है, एक सिस्टम को हम लोग नाम देते हैं कैश सिस्टम का और दूसरा सिस्टम हमारे पास होता है एक्रूअल सिस्टम। अब अगर हम लोग देखें कैश सिस्टम को, तो कैश सिस्टम क्या होता है, इस सिस्टम के अंदर जो हमारे पास एनुअल रिजल्ट आ रहा होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं प्रॉफिट या लॉस, हमारे पास जो एनुअल रिजल्ट आ रहा होता है वो हम लोग डिटरमिन कर रहे होते हैं बाय कंपेयरिंग रेवेन्यू रिसीव्ड इन कैश और एक्सपेंसेस पेड इन कैश। अब कैश सिस्टम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एनुअल रिजल्ट जो हमारे पास प्रॉफिट या लॉस की सूरत में होता है वो हम लोगों के पास किस तरह से आता है, बाय कंपेयरिंग रेवेन्यू रिसीव्ड इन कैश और एक्सपेंसेस पेड इन कैश। अब ये रेवेन्यू रिसीव्ड इन कैश या एक्सपेंसेस जो हम लोग कैश की शक्ल में पे कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा देते हैं वेदर दे रिलेट टू करंट अकाउंटिंग पीरियड आर नॉट। तो यहाँ पे इन शॉर्ट मैं आपको बताता चलूँ कैश सिस्टम क्या होता है, कि एक अकाउंटिंग पीरियड आप कह लें करंट अकाउंटिंग पीरियड, वो इससे प्रीवियस या इन फ्यूचर जो भी आपके पास कैश ट्रांजैक्शन हो रही होती है, आपको फिजिकली कैश मिल रहा होता है, चाहे वो आपका प्रीवियस ईयर के साथ रिलेट कर रहा हो या आने वाले साल के साथ आप रिलेट कर रहे हो, जो भी आपका रेवेन्यू रिसीव्ड इन कैश या एक्सपेंस आप कैश की शक्ल में पे कर रहे होते हो, उसको कंपेयर करने से जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है ये प्रॉफिट या लॉस की सूरत में, इस सिस्टम को हम लोग नाम दे देते हैं कैश सिस्टम का। अब हम लोग बात करें एक्रूवल सिस्टम की, तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो
रिजल्ट आ रहा होता है फाइनल, वो बाय कंपेयरिंग हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा था वो किस तरह से आ रहा था, रेवेन्यू रिसीव्ड इन कैश वो हमारे पास कैश की शक्ल में हो या ना हो, इसी तरह से एक्सपेंसेस जो हैं वो हम लोग जो पे कर रहे होते हैं वो भी हमारे पास कैश की शक्ल में हो या ना हो, लेकिन वो आपके रिलेट कर रहे होने चाहिए रिलेटेड टू करंट अकाउंटिंग पीरियड। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली जो आपका करंट अकाउंटिंग पीरियड चल रहा होता है उस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान आप जितना भी रेवेन्यू रिसीव कर रहे हो कैश की शक्ल में आपके पास आ रहा है या फिर वो आपका रेवेन्यू बंद हो गया है लेकिन अभी आपको मिला नहीं है, इसी तरह से एक्सपेंसेस जो आपके पास खर्चा आप कर रहे होते हैं वो आप कैश की शक्ल में पे कर रहे हैं या फिर आपने पे अभी करना है, लेकिन वो अगर आपका करंट अकाउंटिंग पीरियड के साथ रिलेट कर रहा है तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसको हम लोग नाम दे देते हैं एक्रूवल सिस्टम का। होप सो आपको कैश सिस्टम और एक्रूवल सिस्टम का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो एडजस्टमेंट करने से पहले ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, कैश सिस्टम क्या होता है और एक्रूवल सिस्टम क्या होता है। तो चले चलते हैं नेक्स्ट हम लोग अभी अपनी एडजस्टमेंट्स की तरफ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा नॉर्मली सिंपल आपके पास फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन हो जहां पे आपके पास किसी किस्म की कोई भी एडजस्टमेंट ना हो वहां पे भी आपका स्टॉक जो है वो नॉर्मली एडजस्टमेंट की शक्ल के अंदर गिवन होता है। तो ये आपका स्टॉक जो है वो एडजस्टमेंट की शक्ल में ही क्यों होता है आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि अगर आपका स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर फॉर एग्जांपल आ जाता है तो वो ट्रायल बैलेंस के अंदर किस तरह से आता है, और अगर ये आपके पास आ रहा है एडजस्टमेंट की फॉर्म के अंदर तो वो एडजस्टमेंट की शक्ल के अंदर क्यों आ रहा होता है। क्लोजिंग स्टॉक को शुरू करने से पहले यहाँ पे मैं आपको चीज बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं जी हम लोग कैश पे कर रहे हैं असलम को 1 लाख रुपए का, तो जब कैश पे कर रहे हैं असलम को तो उसकी कुछ एंट्री हमारे पास इस तरह से होती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं एक चीज समझाना चाहूंगा, उसकी बेस पे फिर हम लोग इसको लेके चलेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर क्यों नहीं आता, ये एडजस्टमेंट की शक्ल के अंदर ही क्यों आता है। यहाँ पे लेट्स से असलम से हम लोग कैश रिसीव कर रहे हैं 1 लाख, तो उसकी कुछ एंट्री हमारे पास ये बन जाएगी, कैश अकाउंट हमारे पास डेबिट आ जाएगा और असलम अकाउंट हमारे पास क्रेडिट आ जाएगा 1 लाख के साथ। इसी तरह से हम लोग कहते हैं जी कुछ एक्सपेंस के पे किया बिजनेस ने कारोबार ने, तो एक्सपेंस वो कोई भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, तो जब भी एक्सपेंस हम लोग पे करते हैं तो एक्सपेंस अकाउंट रेलिवेंट एक्सपेंस जो भी होगा सैलरी है तो सैलरी डेबिट के वेजिज है तो वेजिज डेबिट हो जाएगी, तो एक्सपेंस हम लोगों ने पे किया लेट से 70,000 कुछ एक्सपेंस हम लोग पे कर रहे हैं कैश की शक्ल में, तो कैश हमारा यहाँ पे आ जाएगा डेबिट के अंदर 70,000। अब ये दो एंट्रीज हैं हमारे पास, इसकी बेस पे हम लोग साथ ही कैश अकाउंट बना लेते हैं, इन चार्ट हम लोग यहाँ पे लेजर बना रहे हैं। तो यहाँ पे कैश आपका डेबिट हो रहा है ड्यू टू असलम, तो यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन कर दिया असलम अकाउंट आपका आ गया यहाँ पे 1 लाख से आपका डेबिट हो गया कैश, यहाँ पे एक्सपेंसेस की वजह से आपका कैश हो गया क्रेडिट 70,000 से। अब यहाँ पे हम लोग बैलेंस फाइंड आउट करें तो ये 1 लाख हमारे पास यहाँ पे आ गया, 1 लाख की यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑलवेज सेम, तो ये हमारे पास कुछ बैलेंस बाजेगा सी बड़ा डी डेट इज 30,000। अब ये जो 30,000 हमारे पास बैलेंस बच रहा है इसकी हम लोग कोई भी क्लोजिंग एंट्री नहीं कर रहे होते, जब भी इसको हम लोग नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे जाके हम लोग इसकी कुछ ना कुछ एंट्री जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसी तरह से
अब अगर हम लोग बात करें स्टॉक के हवाले से, तो लेट्स से हम लोग परचेज करते हैं, तो जब भी परचेज करते हैं तो हमारे पास परचेज अकाउंट है, बट कैश अकाउंट हमारे पास आ जाएगा क्रेडिट में। लेट्स से 1 लाख की ही हम लोगों ने परचेज की है। इसी तरह से हम लोगों ने सेल्स की, तो सेल्स की एंट्री कुछ हमारे पास ये होती है, कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट पे चला जाता है। लेट्स से ये हमारे पास है 80,000। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, जो हमारे पास चीज़ें आई थी वो थी 1 लाख की, जो चीज़ें हम लोगों ने बेच दी हैं वो है 80,000 की, तो यहाँ पे आपके पास 20,000 जो है वो स्टॉक बच रहा है। तो जैसा कि यहाँ मैंने आपको बताया कि ये जो क्लोजिंग आपके पास आ रहा होता है बैलेंस, उसको हम लोग एट द एंड जो है वो ट्रीट नहीं कर रहे होते, इसको नेक्स्ट ईयर के अंदर जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ पे जाके उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे चीज़ें हम लोगों ने खरीदी बेची, तो हमारे पास कुछ ना कुछ स्टॉक बच गया, तो वो जो स्टॉक हमारे पास बच गया उसको हम लोग अपने पास से रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते। अब रिकॉर्डिंग का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि इसको हम लोग सिरे से ट्रीट ही नहीं करेंगे। यहाँ पे मेरा कहने का मकसद ये है कि एंट्री नहीं हो रही तो इसको हम लोग ट्रायल बैलेंस के अंदर भी शो नहीं करेंगे। अब जैसे कि ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने रिकॉर्ड की हैं, तो ये जाके आपकी लेजर में जाएंगी, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाएंगी। तो यहाँ पे जो आपके पास रिमेनिंग बैलेंस बच रहा है, इसकी यहाँ पे कोई एंट्री हम लोग परफॉर्म नहीं कर रहे, तो इट्स मीन ये फिर ट्रायल बैलेंस के अंदर भी शो नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको लिख नहीं रहे हम लोग इधर, तो एट द एंड जाके इसको हम लोग एडजस्टमेंट की शक्ल में रिकॉर्ड कर देते हैं। इसी तरह से अगर आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो आपका शो हो जाता है, स्टॉक जो है वो आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर आपका आ जाता है, तो वो किस केस के अंदर होता है कि जब आपका स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर शो हो जाएगा। तो जब हम लोग स्टॉक जो है इसको परचेजेस के साथ एडजस्ट कर देते हैं, तो उस केस के अंदर हमारा स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर शो हो जाएगा। तो जब हम लोग स्टॉक को परचेजेस के साथ एडजस्ट कर देते हैं, तो उसकी एंट्री कुछ हमारे पास ये हो जाती है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट आपके पास डेबिट पे आ जाता है और परचेज अकाउंट आपके पास क्रेडिट पे चला जाता है। तो यहाँ पे ये एडजस्टेड परचेजेस हमारे पास आ जाती हैं, तो इस केस के अंदर आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर शो हो जाता है। होप सो आपको ये चीज़ क्लियर होगी होगी कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा अगर ट्रायल बैलेंस में आता है तो वो किस वजह से आ रहा होता है, अगर वो एडजस्टमेंट की शक्ल के अंदर आता है तो वो एडजस्टमेंट की शक्ल के अंदर किस वजह से आ रहा होता है। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक अगर हमारे पास एडजस्टमेंट की शक्ल के अंदर आ रहा है, तो उसकी एंट्री हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे। अब जब क्लोजिंग स्टॉक आपका एडजस्टमेंट की शक्ल में आ रहा था, तो उसकी क्लोजिंग एंट्री कुछ हम लोग इस तरह से कर रहे होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट आपका डेबिट पे चला जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट इसको हम लोग कर देते हैं क्रेडिट। लेट से ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है वो 1 लाख था, तो इसकी एंट्री कुछ हमारे पास ये बन गई। अब इसका ट्रीटमेंट हम लोग किस तरह से करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे एज अ रियल अकाउंट इसको हम लोग बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं एज एन एसेट, और उसके बाद साथ में ही इसी तरह इस एडजस्टिंग एंट्री के हवाले से देखें तो ये हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर भी शो हो जाएगा। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर किस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे मैं टी अकाउंट की फॉर्म में ट्रेडिंग अकाउंट बना देता हूँ, ये लेट से हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक हमारा यहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड में शो हो जाएगा 1 लाख से। और दूसरी तरफ जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, ऐसे ही हमारे पास बैलेंस शीट है, एसेट साइड है, तो यहाँ पे इसको एज एन एसेट्स भी हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में शो कर देते हैं 1 लाख के साथ। तो पहले मैंने आपको बताया कि जो भी आपकी एडजस्टमेंट होगी, एडजस्टिंग एंट्री होगी, उसके दो इफेक्ट होंगे,
एक इफेक्ट हमारा क्लोजिंग स्टॉक का एज अ रियल अकाउंट बैलेंस शीट के अंदर ये एसेट्स के तौर पर चला गया, दूसरा अकाउंट हमारा क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे हमारे पास शो हो गया। तो ये जब भी क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास एडजस्टमेंट की शक्ल में आएगा तो उसकी ट्रीटमेंट कुछ इस तरह से हम लोग परफॉर्म करेंगे।